Good morning students, today we will discuss about the movements of cockroach. Okay, we were studying about the movements of invertebrates. Okay, and our previous example was snail. Okay, snail ke movement ke baare mein hum jaan chuke hain. So today we will discuss about the movement of cockroach. Okay, so students, as you can see here, I have already drawn the picture of cockroach. ओके सो जो कॉकरोच की बॉडी होती है बेटा द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है बॉडी जो फर्स्ट पार्ट होता है सी ये जो पार्ट होता है ये होता है इसका हेड दिस इज हेड ओके सेकेंड पार्ट होता है आपका यहाँ से लेके जो ये पार्ट होता है इसका थोरैक्स थोरैक्स बेटा क्या होता है आपका नेक से लेके एब्डोमेन तक का पार्ट जो होता है वो थोरैक्स होता है और यहाँ से आपका शुरू होता है इसका इतना पार्ट जो है इसका ये है इसका एब्डोमेन यानी कि इसका पेट वाला हिस्सा है गॉट इट सो इसकी बॉडी थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है हेड है थोरैक्स है एंड एब्डोमेन है क्लियर उसके बाद क्या है कि जो इसकी बॉडी में जो आपको लेग्स दिख रहे हैं ओके इट हैज़ थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स थ्री पेयर में लेग्स होते हैं कॉकरोच की बॉडी में जो कि इसको क्या करते हैं चलने में हेल्प करते हैं गॉट इट वॉक में हेल्प करते हैं लेग्स एंड दीज लेग्स हेल्प इट टू रन वेरी फास्ट इसको दौड़ने में भी हेल्प करते हैं तेजी से दौड़ते हैं कॉकरोच आपने देखा होगा तो इसमें भी हेल्प करते हैं आपके इनके लेग्स इनको दौड़ने में ओके इतना क्लियर है उसके बाद बेटा इसमें क्या होते हैं आपके विंग्स होते हैं जो पंख है पंख भी आपके होते हैं कॉकरोच में टू विंग्स होते हैं सो उससे क्या होता है कि जो आपका कॉकरोच है वो उड़ भी सकता है बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में उड़ता है एयर में बट इट कैन फ्लाई ओके सो इसी के साथ मूवमेंट में क्या होता है स्टूडेंट्स जो आपका कॉकरोच है कॉकरोच कैन वॉक क्लाइम एज वेल एज फ्लाई इन द एयर चल सकता है दौड़ सकता है क्लाइम कर सकता है चढ़ सकता है और फ्लाई भी कर सकता है शॉर्ट डिस्टेंस तक क्लियर सो इट्स ऑल अबाउट द मूवमेंट ऑफ कॉकरोच सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वन मोर थिंग आफ्टर दिस lecture I'm going to send you a link of your class test okay and there will be MCQ type questions you have to just click on the right answer and then submit your response okay so this is all about today's lecture